राजधानी लखनऊ के राजीव गांधी द्वितीय वार्ड से आम आदमी पार्टी के भावी प्रत्याशी मुन्ना खान ने तहरी भोज का आयोजन कराया, जिसमें सभी जनमानस को बड़े प्रेम पूर्वक तहरी भोज परोसा गया। मुन्ना खान जी हर साल तहरी भोज का आयोजन कराते रहते हैं और कई वर्षों से अपने वार्ड की जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं। वो लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं और बिना किसी जात धर्म को देखते हुए हर ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। इस बात का समर्थन करते हुए इस तहरी भोज में आए हुए कई वरिष्ठ लोगों ने उनका साथ दिया और कहा कि चाहे वो जिस किसी पार्टी के प्रत्याशी बने, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमेशा से ही उनका समर्थन करते आ रहे हैं और आगे भी जिस प्रकार वह कई वर्षों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं, उन्हें आगामी चुनाव में जीत कर आना चाहिए और जनता के तन मन के साथ और भी सेवा करनी चाहिए। और क्षेत्र के ये अपने वार्ड में मुन्ना खान जी अपने वार्ड में जो क्षेत्र में जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको न केवल सुनने जाते हैं पर अपने स्तर पे किसी भी पद पे न रहते हुए भी अपने स्तर पे चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो कृषि विभाग हो उन समस्याओं को ले जाके सॉल्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आप चैनल के माध्यम से सभी लोगों से चाहे वो पहली वोट हो चाहे लोगों की समस्या हो अच्छे प्रत्याशी भी तो सामने लाएं उनको जीत दिलाएं जिससे आपकी सभी समस्याएं भी हल हों। और पहली वोट तो एक चीज ही है तो कराई है और ये सालों से करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रत्याशी बनने के बाद ही करा रहे हैं, ये सालों से लोगों की समस्याएं मदद करते हैं। एक भावी प्रत्याशी के सारे गुण आपके अंदर हैं, आगे क्या कहना चाहेगी कि जनता आप पर विश्वास जताए और आगे नगर निगम जनता इस तरीके से मैं जनता के साथ काम कर रहा हूँ कंधे से कंधा मिला के। तो हम ये तो चाहते हैं कि जनता अगर मेरा साथ दिया, अगर मैं जहाँ का पार्षद सीट निकल गई थी तो जनता को वो सौगात देंगे, शायद कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, वार्ड में मुन्ना खान की तरफ से ये तहरी भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जिसमें सामाजिकता भरी होती है वो तमाम प्रकार के कार्यक्रम करता रहता है, हर जनता के सुख दुख के लिए अपना सर्वस्व निछावर करता रहता है। उसी प्रकार के सारे गुण मुन्ना जी में पाए जाते हैं और वो राजीव गांधी द्वितीय हो या कोई हो, लेकिन इनके अंदर जो मानवता का गुण भरा हुआ है इसके हम सभी लोग बड़े कायल हैं और इनके जो भी सामाजिकता के लिए काम करते रहते हैं इसके लिए हम सब लोगों का हमेशा समर्थन और प्रोत्साहन भी इनके लिए लगा रहता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही जुनूनी और किसी भी गरीब और बेसहारा कमजोरों का दुख इनसे देखा नहीं जाता। ये बेचारे अपना सर्वस्व कार्य छोड़कर परिवार का सुख दुख छोड़कर उसके पीछे लग जाते हैं, ये हम सब लोग वर्षों से इनके बारे में देखते चले आ रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि बिल्कुल समाज सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर है? ये तत्पर है, इनके हृदय में समाज के प्रति दुख अगर किसी है किसी का तो उसके लिए इनका दिल धड़कता है, उसके साथ ये नजर। मैं रज्जू सिंह भदौरिया, मुन्ना जी जैसा कि अभी बड़े भाई ने बताया कि ऑलरेडी जो है मनुष्य हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है मनुष्यता और मानवता के लिए जो करे वही जो है नेता है, बस देव कुटुंबकम हमारी संस्कृत का नारा रहा है। तो ऑलरेडी जब जो व्यक्ति समाज की सेवा इस लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में अगर व्यक्ति समाज की सेवा तभी कुछ चीज़ों पैमाने में संभव है कि जब उसके पास पद हो तभी जो है कुछ चीज़ें जो बिना पद के करना चाहिए वो कर रहे हैं। अगर शायद ये इसमें सफल होते हैं जनता जनार्दन की कृपा से तो आगे भी मुन्ना जी जो है ऐसे ही समाज सेवा करते रहेंगे, हमारी यही शुभकामनाएं इनके लिए और इस क्षेत्र के लोगों के लिए है। ठीक, गांधी द्वितीय वार्ड का अध्यक्ष हूँ और हम माननीय मुन्ना खान जी को मैंने ये देखा है पूरे मानवीय गुण हैं,
और एक सच्चे इंसान के नाते मैं इनका पूर्ण समर्थन करता हूँ और सबके दुख सुख में, यहाँ तक पूर्वांचल से हमारे सामने दो हॉस्पिटल हैं, यहाँ इस बार जो अलाव जला है यहाँ पहली बार इन्हीं के सौजन्य से जला, नहीं आज तक यहाँ कभी लकड़ी नहीं गिरी, जबकि अभी किसी पद पे नहीं पार्षद प्रत्याशी हैं, तब अभी इनका एक एक घर पे बराबर फाटी हुई है एक एक। अगर ये आते हैं हम लोग तो अपनी स्वास्थ्य के लिए अपनी एक एम्बुलेंस होगी, घर पे तुरंत पहुँचेगी, आप कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, और इन्हीं शब्दों के साथ हम उनके जीत की शुभकामना करते हैं। चैनल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।